Hey guys, welcome back to the channel. I hope you are doing absolute fine. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर गाइस जब आप यहाँ पर WhatsApp ओपन करते हैं और यहाँ पर चैटिंग में जाते हैं और यहाँ पर कैमरा ऑन करते हैं, द फाइल फॉर्मेट इज नॉट सपोर्टेड, बल्कि ऐसा दिखाई देता है WhatsApp के अंदर। जब भी आप यहाँ पर फोटो लेते हैं, फोटो लेने के बाद यहाँ पर ऐसा पॉपअप होता है और यहाँ पर आपको कुछ दिखाई नहीं देता। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है गाइस, तो इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिए। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। और अगर गाइस आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहली चीज़ आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले प्ले स्टोर पर चल जाना है। प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको WhatsApp टाइप करना होगा और जो आपका WhatsApp है उसे आपको यहाँ पर अपडेट कर लेना होगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको यही करना होगा, अपडेट कर लेना होगा। अपडेट करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सेटिंग में जाना होगा आपके फ़ोन के सेटिंग में, फिर यहाँ पर आपको ऐप्स में जाना होगा या फिर एप्लीकेशन मैनेजर में, फिर यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि WhatsApp तलाश करना होगा। यहाँ पर आपको WhatsApp के अंदर चले जाना है। WhatsApp के अंदर जाने के बाद गाइज यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा गाइज फोर स्टॉप का, इसे आपको यहाँ पर फोर स्टॉप कर लेना होगा, ओके कर लेना है। ओके करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको स्टोरी में जाना होगा, स्टोरी में जाने के बाद क्लियर कैच कर लेना है। याद रखिए गाइस आपको क्लियर डाटा नहीं करना है, वरना फिर से आपको नंबर डाल के रजिस्टर करते बैठना होगा, ये आपको कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको ऑलोड नोटिफिकेशन में जाना होगा और यहाँ पर सभी नोटिफिकेशन को यहाँ पर ऑन कर देना है, यहाँ पर आपको एक भी नोटिफिकेशन बंद नहीं रखना है गाइस। इसके बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना है गाइस। बैक आने के बाद यहाँ पर आपके जो फ़ोन का जो कैमरा होता है गाइस, इसके अंदर आपको चले जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा, इसके अंदर जाना होगा। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको फिर से फोर स्टॉप कर लेना होगा। फिर यहाँ पर आपको स्टोरेज में जाना होगा, स्टोरेज में जाने के बाद क्लियर कैच कर लेना होगा गाइस। यहाँ पर आप क्लियर डेटा भी कर सकते हैं, लेकिन गाइस जो कैमरे की सेटिंग आपने रखी है वो सब चेंज हो जाएगी और एज इट इज़ आ जाएगी गाइस डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें कर लेना हो, फिर आपको आपका फ़ोन जो है वो रिस्टार्ट कर लेना होगा, जिससे आपकी 101% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो लिए थैंक यू वेरी मच।